हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर बुक क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं। जब मैं रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट बनाने की बात करता हूं तो यहां पे हमारे दो केसेस रेलिवेंट हो जाते हैं। पहला केस होता है व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और दूसरा केस होता है व्हेन इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों पे मैं सेपरेटली क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग केस वन की बात करते हैं, केस नंबर वन। और केस नंबर वन के लिए आप आ जाइए अपने किताब पे, क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 6.72, टीएस गरेवाल बुक, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इससे हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका। चलिए, तो कहता है अशोक भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो तीन पार्टनर्स हैं, अशोक भास्कर और चमन, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दिया है। भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, तो कौन रिटायर हो गया, भास्कर रिटायर हो गया, तो मैं गोला मार देता हूं इसको। ठीक है, तो यह हो गया रिटायर। आफ्टर एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3,00,000 एज ऑन 1st April 2019। तो कह रहे सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो हम तरह तरह की एडजस्टमेंट्स करते हैं, आप लोगों को पता है। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी भास्कर, उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आ रहा था ₹3,00,000। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इसको आप अंडरलाइन करना, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो भाई, सारी एडजस्टमेंट के बाद भास्कर का बैलेंस आ रहा था ₹3,00,000 का। इसका मतलब फर्म को कितने पैसे भास्कर को लौटाने हैं, ₹3,00,000, है ना। जो भाई फाइनल बैलेंस आता है रिटायरिंग पार्टनर का, वो फर्म को लौटाने होते हैं उसको। तो वो कह रहा है कि हमने उसको लौटाने की जगह क्या किया, अभी हमने इमीडिएटली नहीं लौटाया, हमने इसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में लौटाया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ हमने इंस्टॉलमेंट बनाया, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अभी मैं बता दूंगा, बट ये वाला जो केस है, जो केस नंबर वन में पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहा हूं, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो इस हाईलाइटेड पोर्शन से होगी, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, कहता है प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। तो देख लो भाई, रिटायरमेंट कब हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। तो भास्कर को हमको लौटाने हैं कितने पैसे, ₹3,00,000। ये ₹3,00,000 का जो अमाउंट आ रहा है, ये कौन सी डेट को आ रहा है, 1st April 2019 को आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि हमने इसको इमीडिएटली लौटाने की जगह टुकड़ों टुकड़ों में लौटाया, यानी इंस्टॉलमेंट्स में लौटाया। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं ये है 1st April 2019, तो यानी कि हमने यहां पे जो ड्यू अमाउंट था ₹3,00,000 का, इसको यहां पे लौटाने की जगह 3 टुकड़ों में लौटाया। यानी पहला हमने लौटाया लेट अस से 31st March 2020 को, फिर हमने लौटाया अगला हिस्सा 31st March 2021 को, फिर हमने लौटाया लास्ट इंस्टॉलमेंट 31st March 2022 को, राइट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि ये जो हमने पैसा लौटाया 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में लौटाया। इक्वल का मतलब क्या हो गया, इक्वल का मतलब ये हुआ कि ये जो ₹3,00,000 हमने लौटाए होंगे, ये इक्वली लौटाए होंगे। तो 3 लाख को अगर मैं 3 इक्वल टुकड़ों में तोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,00,000।
तो 1 लाख यहां लौटाए, 1 लाख यहां लौटाए और 1 लाख यहां लौटाए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ने यह भी बोला हमसे कि जो हमने पैसा लौटाया, हमने जो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लौटाया, उसके साथ साथ हमने ब्याज भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि ये जो 3 लाख रुपए जो लौटाया, ये एसेंशियली है क्या, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन जब हमने पैसा देरी से टुकड़ों टुकड़ों में लौटाया, तो हमने इस प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ इंटरेस्ट भी ऐड किया 10% के हिसाब से। यानी कि जो ये मैंने 3 इक्वल टुकड़े तोड़े, ये 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए, ये तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है। दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल रीपेमेंट। मैं लिख देता हूं, ये है प्रिंसिपल रीपेमेंट। लेकिन इस प्रिंसिपल रीपेमेंट के साथ, ये जो हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे रहे हैं, इसके साथ साथ हमको ये इंटरेस्ट भी ऐड करना है। यानी हर साल हर इंस्टॉलमेंट में अलोंग विद प्रिंसिपल हमको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके ऐड करना है कि भाई इंटरेस्ट कितना बनेगा इस डेट तक, इन डेट तक कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा, और उतना इंटरेस्ट भी हमें साथ में देना है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हमारा ये जो फर्स्ट केस का नाम पड़ गया था, व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमने इक्वली तोड़ दिया, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बना दिया, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, और वैसे आप लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझते भी होंगे, आपने मैथ्स वगैरह में पहले कभी ना कभी पढ़ा भी होगा, राइट। तो ये काम हमको इस क्वेश्चन में करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं पहले आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात और जो कि आपको वैसे पता होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है ये हमेशा होती है ऑन प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट की जो हम कैलकुलेशन करेंगे, हम प्रिंसिपल करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, जितना भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो पहले मैं आप इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करता हूं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये किधर गया, यहां पर ये रहा, किधर गया रिक्वायरमेंट, 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 ये रहा, prepare भास्कर's लोन अकाउंट until he paid the amount due to him। तो हमें भास्कर का लोन अकाउंट बेसिकली बनाना है, तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। चलो तो एक बार इसको करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। तो एक बार मैं आपको जर्नल एंट्री करके बताना चाहता हूं कि जो अमाउंट ड्यू हुआ फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ड्यू टू लोन अकाउंट, कि भाई जो पार्टनर्स के कैपिटल में या भास्कर के कैपिटल में जो अमाउंट ड्यू हुआ, वो अब हमें सबसे पहले लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसकी हम लोग एंट्री क्या करेंगे, तो पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। भास्कर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर्स लोन अकाउंट, टू भास्कर लोन अकाउंट 3 लाख, ठीक है जी। तो बेसिकली जो भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, वह हम उठा के कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग भास्कर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो भास्कर का कैपिटल अकाउंट तो पूरी तरह बंद हो जाएगा ये एंट्री करते ही, और एक नया अकाउंट खुल जाएगा, एक लाइबिलिटी अकाउंट खुल जाएगा भास्कर लोन अकाउंट के नाम से। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज लाइबिलिटी, ये एक लाइबिलिटी है फर्म के लिए, ये एक लाइबिलिटी, ठीक है। तो आप नॉर्मल, जैसे कोई नॉर्मल लोन अकाउंट बनाओगे, वैसे ही आप इसको समझ लो कि ये एक लोन अकाउंट है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको ये भास्कर का लोन अकाउंट बनाना है, तो चलिए ये भी हम लोग बना लेते हैं। तो हेडिंग डालना भास्कर लोन अकाउंट, भास्कर लोन अकाउंट। चलो तो इसका मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, आप लोग भी अगर मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो इसका फॉर्मेट जरूर बना लेना। चलो जी, चलो ठीक है जी, चलो आप थोड़ा साफ साफ इसका फॉर्मेट बनाना।
तो हमारी क्या हेडिंग बन जाएगी, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, राइट। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको एंट्री करी, ये हमने कौन सी डेट पे एंट्री करी होगी, ये रिटायरमेंट की डेट पे एंट्री करी होगी, यानी 1 अप्रैल 2019 को हमने ये वाली एंट्री करी होगी। तो पहले तो आप इसकी पोस्टिंग कर लो, तो क्या आ जाएगा यहां पे, 1 अप्रैल 2019 को हम लिख देंगे बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख। चलो जी, अब हम साथ साथ यहां से ही डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अब आप इस साल की बात करना, पहले साल की बात करना, तो ये बेसिकली है ईयर वन, ये है ईयर टू, ये है ईयर थ्री, ठीक है, ये ईयर वन है, ईयर टू है, ईयर थ्री है। तो अगर मैं पहले साल की बात करूं तो आप बताओ इंटरेस्ट आप कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा उसी पे तो करोगे। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 यानी पूरे साल हमारा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा टुवर्ड्स भास्कर, यहां तो पूरा का पूरा 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहा, है ना। 31 मार्च 2020 को हमने 1 लाख रुपए पे करे, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पहले पूरे साल हमारा पूरा 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहा। तो जब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा तो कौन से अमाउंट पे करूंगा, तो आ जाओ जी अब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं। तो इंटरेस्ट जो ड्यू होता है वो यहां पे आ जाता है, तो अब हम यहां लिखेंगे 31 मार्च 2020 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो पूरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च को हम आगे खड़े हो गए और 31 मार्च को अब हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और उसको ड्यू कर रहे हैं। तो अब इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 3 लाख रुपए पूरे साल ड्यू रहे, उस पर क्वेश्चन ने बोला है 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो पूरे साल का है तो इंटू 12/12 ना भी लिखो तो चलेगा, ये तो आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 आ जाएगा ये, राइट। चलो अच्छा, आप 31 मार्च 2020 को फर्म पे कर देगी पहला इंस्टॉलमेंट, मैं लिख देता हूं दिस इज इंस्टॉलमेंट नंबर 1, ये है हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे करेगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फर्म कितना पैसा पे करेगी, तो 1 लाख रुपए तो हमने निकाला था, ये प्रिंसिपल पे करना है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए प्लस साथ साथ इंटरेस्ट, क्वेश्चन ने क्या बोला था, अलोंग विद इंटरेस्ट, क्वेश्चन ने बोला था अलोंग विद इंटरेस्ट। तो पहले साल का हमारा इंटरेस्ट बना कितना है सर, 30,000 रुपए का बना है, तो साथ में 30,000 का इंटरेस्ट भी पे कर देगी। तो टोटल आपका इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का बन जाएगा, 1,30,000 का बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक बार केस वन की हेडिंग पढ़ना, शायद अब बेटर वे में समझ आ जाएगा, व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा 1,30,000 का इंस्टॉलमेंट बना, ये क्या है, 1 लाख का प्रिंसिपल है और 30,000 का इंटरेस्ट है। इस तरह से हमारा पूरा 1,30,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बन गया, राइट। अच्छा, अब 31 मार्च को हमने पे कर दिया। इसके बाद अब हमारा कुछ क्लोजिंग बैलेंस बच गया, तो सर कितना क्लोजिंग बैलेंस बच गया, 2 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस बच गया। और 31 मार्च 2020 को मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म, टोटल आ रहा है 3,30,000, 3,30,000। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। चलिए, अब हम आ गए अगले साल 1 अप्रैल 2020 को। तो सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी, जो हमारा लाइबिलिटी का अगले साल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कितने रुपए का, 2 लाख का, ये हम लोग डाल देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब पूरे साल लोन अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ, अब सीधा हम ईयर एंड पे आ जाएंगे 31 मार्च 2020 को, और दोबारा से अपने सेकेंड ईयर का अब इंटरेस्ट लगा देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे आप चाहे तो देखते हुए चल सकते हो कि हमने यहां तक की कहानी कर दी, अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए। तो अब सेकेंड ईयर में बताना कि पूरे सेकेंड ईयर में 1 अप्रैल 2020 से लेके
31 मार्च 2020 तक या 2021 तक कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहा? 2 लाख रुपए। ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपए पूरे साल, पूरे सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग रहा। तो अब मैं इंटरेस्ट किस पे लगाऊंगा? इस 2 लाख रुपए पे कैलकुलेट करूंगा। तो 2 लाख का 10% और अगेन पूरे साल का इंटरेस्ट है तो इंटू 12/12। सिंपल। तो कितना इंटरेस्ट बन गया मेरा सेकेंड ईयर का? 20,000 का। अब आ जाओ अपने लास्ट डे पे, यहां पे भी 31 मार्च 2021। तो अगेन अब लास्ट डेट पे हम लोग इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे, तो इसको भी मैं लिख देता हूं क्या ही है हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट नंबर टू। अब इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी? 1 लाख रुपए तो प्रिंसिपल है हर साल, ये तो हमने निकाल दिया था, तो 1 लाख का तो प्रिंसिपल है, प्लस हमारा इंटरेस्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लिखा था क्वेश्चन ने, तो जो भी हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 1 लाख का तो इंस्टॉलमेंट पे करना ही करना है प्रिंसिपल अमाउंट का, साथ ही साथ हमें जो इस साल का इंटरेस्ट बन गया वो भी पे करना होगा। तो अब मेरा इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट का बन जाएगा? 1,20,000 का, जिसमें से 1 लाख रुपए क्या है प्रिंसिपल के हैं और 20,000 रुपए इंटरेस्ट के हैं। बस खत्म कहानी। तो ये साल भी खत्म। तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस सीडी कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंस? अब 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। तो मेरा सेकेंड ईयर भी खत्म, सेकेंड ईयर भी क्लोज। अब हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर पे आ जाते हैं, थर्ड ईयर पे। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस लेके आएंगे, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं इसको। चलिए राइट। अच्छा अब तो आप समझ ही गए क्या काम कर रहे हैं हम लोग। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2022 यानी ईयर 3 के अब एंड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट देखेंगे कितना इंटरेस्ट बन गया, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब कैसे करेंगे? तो थर्ड ईयर में हमारा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग रहा। तो इस 1 लाख रुपए पे हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे, इंटू 10/100 इंटू 12/12, नॉट 6/12, सॉरी 12/12, पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 10,000। और फिर 31 मार्च 2022 को अपना थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। लिख देता हूं, दिस इज इंस्टॉलमेंट नंबर 3। तो ये कितना बनेगा? सेम कहानी, 1 लाख रुपए का तो प्रिंसिपल है ही है, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट हमारा थर्ड ईयर का बन गया 10,000 का, वो भी ऐड कर दो। तो हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का बन जाएगा? 1,10,000 का। और मेरा ये अकाउंट खत्म। इस प्रकार से मैं पूरा रिटायरिंग पार्टनर का जो भी ड्यू अमाउंट है वो टुकड़ों टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में बेसिकली पे कर दूंगा और मेरी कहानी खत्म। ठीक है जी। तो आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी। तो आपको बेसिकली लोन अकाउंट बनाना था। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, जो हम ये हर साल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो हर साल हम ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये बाय इंटरेस्ट लिख रहे हैं, बाय इंटरेस्ट लिख रहे हैं, बाय इंटरेस्ट लिख रहे हैं, ये क्या है? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये तो आप लोग अपने फंडामेंटल्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हर क्लोजिंग ईयर पे 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2020 लिखना चाहिए, पहला हमारा साल 2020 को खत्म होगा, तो 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2021 को और 31 मार्च 2022 को। तो हर साल के क्लोजिंग पे हम लोग इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है दिखाने की, बट ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो हर साल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
P&L account debit to interest account, right? तो कितना कितना इंटरेस्ट है, तो पहले साल का इंटरेस्ट था 30,000 का, तो पहले साल मेरे P&L में 30,000 चला जाएगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट था 20,000, तो दूसरे साल मेरे P&L में कितना चला जाएगा, 20,000। और थर्ड ईयर लास्ट ईयर में था 10,000 का इंटरेस्ट, तो लास्ट ईयर में मेरा 10,000 का इंटरेस्ट P&L में चला जाएगा। तो ये भी चीज आपको लिंकिंग होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इस इंटरेस्ट का अल्टीमेटली क्या होगा, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आपका फर्स्ट केस कंप्लीट। अब हम लोग अपना सेकेंड केस पे आते हैं। तो फर्स्ट केस इज डन, लेट अस मूव ऑन टू आवर केस नंबर 2। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ये है आपका केस नंबर 2 पे। टाइप 2 बोल लो, केस 2 बोल लो, जो बोलना चाहो बोलो, तो ये आपका बेसिकली लोन अकाउंट का टाइप 2 है। क्वेश्चन पढ़ते पहले क्या कह रहा है, राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। तो राकेश कोई पार्टनर है जो फर्म से रिटायर हो गया। तो अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड एट ₹90,000। तो रिटायरमेंट पे सारी एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद हमें पता लगा कि हमें राकेश को कितने रुपए देने हैं, ₹90,000। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोस। तो हमने ये ड्यू अमाउंट, जो 90,000 का ड्यू अमाउंट है, ये कैसे कैसे पे किया। तो कहता है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹30,000, यानी रिटायरमेंट पे तो हमने 30,000 उसको पे कर दिया हाथ के हाथ। और बैलेंस कहता है इन थ्री ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, बचा हुआ अमाउंट हमने तीन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया। लेकिन देखो यहां पे आपको ऐसा नहीं लिखा कि तीन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, उसने आगे आपको इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल बता दी। उसने बोला फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स बीइंग ऑफ ₹26,000, पहले दो इंस्टॉलमेंट्स हमारे रहे कितने रुपए के, 26,000 के। और आगे की लाइन पढ़ना और उसको अंडरलाइन या हाईलाइट भी करना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे पता लगेगा कि ये हमारा टाइप 2 है। इससे हमें पता लगेगा ये हमारा टाइप 2 है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो उन्होंने आपको 26,000 का इंस्टॉलमेंट बताया, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या अलग था, एक उसने बोला था कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बोला था। यानी पहले आप इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालो और उस पर फिर जो भी हर साल का इंटरेस्ट बनता है वो भी एड कर देना, राइट? बट इस क्वेश्चन में क्या अलग चीज हो गई कि उसने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बताया और वो भी जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमें अलग से इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना इंस्टॉलमेंट में, उसने ऑलरेडी वो इंक्लूड करके बता दिया। तो दोबारा से पढ़ते, फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट बींग ऑफ ₹26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड बैलेंस अमाउंट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो और जो भी बैलेंस बच जाएगा उसको हम लास्ट यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। इंटरेस्ट वॉज पेबल एट 10% पर एनम, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो हमें राकेश का लोन अकाउंट बनाना है। तो लोन अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहां पे भी जर्नल एंट्री करवाना चाहता हूं, जर्नल एंट्री ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जर्नल एंट्री भी लिखवाई थी, वैसी मैं यहां पे भी लिखवा रहा हूं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जो लोन अकाउंट का क्वेश्चन आएगा उसमें वो आपसे जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है वाली, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे। ठीक है, अच्छा अब राकेश को हमें कितना पैसा देना था, राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ने बोला 90,000 देना था। ठीक है, तो राकेश के कैपिटल अकाउंट को तो हम पूरा 90,000 से डेबिट करके क्लोज कर देंगे। इसमें से क्वेश्चन ने बोला कि हमने रिटायरमेंट की डेट पर ही हाथ के हाथ 30,000 तो पे कर दिए, तो 30,000 तो मैं टू बैंक में लिख दूंगा क्योंकि हमने हाथ के हाथ पे कर दिए। अब बचा हुआ अमाउंट क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट्स में बाद में आगे जाके टुकड़े टुकड़ों में पे करा, तो उसको मैं लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, टू राकेश लोन अकाउंट। तो रिमेनिंग 60,000 बेसिकली हमें लोन के तौर पे पे करने हैं इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है जी, तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्या, आप तो बस राकेश का लोन अकाउंट बना दो, राकेश लोन अकाउंट। ठीक है जी, तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, आप लोग भी फॉर्मेट बना लेना। चलिए ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं डेट
वैसे डेट इस क्वेश्चन में दी नहीं गई तो कोई काम की नहीं है, फिर भी फॉर्मेट के लिए डाल देते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो पहले तो हमारा फर्स्ट ईयर चलेगा, सबसे पहले जो राकेश के कैपिटल से हमने उठा के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कराया 60,000, इसको हम लोग डाल देते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ईयर वन ही लिख देता हूं, डेट्स है नहीं ना तो कुछ लिख नहीं सकता, तो ईयर वन पे हम लोग सारी एंट्रीज करते हैं, ठीक है जी। तो ईयर वन पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राकेश कैपिटल से उठा के जो लोन का जो अमाउंट है वो यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय राकेश कैपिटल अकाउंट 60,000, राइट। अच्छा, अब लास्ट डेट पे कहानी सेम होगी, इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट लोन पे ड्यू होगा, है ना। अच्छा, कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा या कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालूंगा, तो इंटरेस्ट तो हमेशा याद रखना प्रिंसिपल पे निकलता है भाई, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलता है। तो अब इस फर्स्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा, टोटल तो 90,000 देना था, उसमें से 30,000 तो हमने डेट ऑफ रिटायरमेंट पे दे दिया, तो बचा हुआ जो 60,000 है वो हमारा पूरे पहले साल पे आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो इस 60,000 पे हम लोग 10% का इंटरेस्ट निकाल लेंगे इंटू 12/12, तो ये आ जाएगा सिंपली 6,000 रुपए। चलो अब डेबिट साइड पे आ जाओ। अब लास्ट डेट पे हम लोग इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, ये क्या है इंस्टॉलमेंट नंबर वन, इंस्टॉलमेंट वन। अब फर्क क्या है, जब पिछला सवाल किया था हमने तो पिछले सवाल पे क्या किया था, हम लोगों ने पहले इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाला था और हमने फिर उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके फिर टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखा था। बट इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है, इस क्वेश्चन में अलग बात यह है कि जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो जैसे कि क्वेश्चन ने बोला था पहले दो साल जो हमने इंस्टॉलमेंट पे किया वो 26,000 का पे किया, अब इसमें उसने इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा था, तो अगर मैं इस 26,000 के इंस्टॉलमेंट को तोड़ना चाहूं तो मैं कैसे तोड़ूंगा, आप लोगों को पता है 6,000 रुपए तो इंटरेस्ट का है, 6,000 रुपए तो इंटरेस्ट है पहले साल का, तो बचा हुआ 20,000 यानी प्रिंसिपल होगा, बचा हुआ 20,000 प्रिंसिपल होगा। तो ये मैं लिख देता हूं, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक बार आप अपनी केस टू की जो हेडिंग मैंने लिखी थी उसको पढ़ना, शायद अब आप उसका सेंस बना पाओगे। हमने लिखा था व्हेन इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, जब इंस्टॉलमेंट इंक्लूड करता है इंटरेस्ट, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया इस केस का, ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट डेट पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, तो कितना बच रहा है, आई थिंक 40,000 बच रहा है, और हमारा फर्स्ट ईयर खत्म, फर्स्ट ईयर की कहानी खत्म, टोटल कर देते हैं 66,000। और फिर हम लोग अब अपने ईयर नंबर टू पे आ जाते हैं, ईयर टू, ईयर टू में सबसे पहले हम लोग बाय बैलेंस बीडी इस क्लोजिंग बैलेंस को अब उठा के यहां ट्रांसफर करते हैं, तो 40,000 मेरा अगले साल बन गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं फिर से, चलिए ठीक है जी। अच्छा, अब एंड डेट पे, लास्ट डेट पे फिर से हम लास्ट डेट पे आ जाएंगे सेकेंड ईयर के, ईयर टू एंड पे आ जाएंगे, दोबारा से हम लोग इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, अब हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, पूरे साल हमारा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा, 40,000 आउटस्टैंडिंग रहा, इस 40,000 पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 40,000 का 10% इंटू 12/12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,000, ये आ जाएगा 4,000। अब डेबिट साइड पे आ जाओ ईयर टू, तो सेम कहानी, फर्स्ट टू ईयर के लिए क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट आपको बता रखी थी 26,000, तो सेकेंड ईयर की भी टोटल इंस्टॉलमेंट मेरी 26,000 है, बट इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, अब आप लोगों को पता है कि 4,000 रुपीज सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये आपने यहां पे निकाल रखा है।
तो अगर 26,000 में से 4,000 रुपए इंटरेस्ट का है तो बचे हुए 22,000 क्या होगा, बचा हुआ 22,000 प्रिंसिपल होगा। तो ये मेरा बन गया इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप। तो 22,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड 4,000 इज द इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है जी। अच्छा अब बस अब क्या, अब तो इसको क्लोज कर दो, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो कितना बच रहा है। तो टू बैलेंस सीडी, अब ये कितना बच रहा है मैं निकाल लेता हूं, 44 में से 26 गए तो आई थिंक अब ये बच रहा है कितना, 18,000। तो मेरा सेकेंड ईयर का अकाउंट भी खत्म, तो कहानी खत्म होगी, टोटल आ रहा है 44,000, ये भी खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट ईयर पे, ईयर थ्री में। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करो, बाय बैलेंस बीडी 18,000। फिर ईयर एंड पे इंटरेस्ट चार्ज करो, ड्यू करो, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब कितना प्रिंसिपल या कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 18,000 आउटस्टैंडिंग है। 18,000 का 10% के हिसाब से पूरे साल का, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1800। ठीक है। तो अब ईयर थ्री में फाइनली मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसने खुद ही बोला था बैलेंस अमाउंट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब तीसरे इंस्टॉलमेंट में, थर्ड ईयर में जो भी बैलेंस बच जाए वो पूरा हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो आप देख लो कितना बैलेंस बच रहा है, तो टोटल आ रहा है 19,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो बस इस पूरे 19,800 को हम लोग पे कर देंगे और हमारा अकाउंट खत्म, लोन खत्म, लाइबिलिटी खत्म, कहानी खत्म। ठीक है जी। तो बहुत ही इजी है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना, बहुत ही इजी है। दो टाइप्स के इसमें केस बन सकते हैं। पहला है जिसमें आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके पूरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट खुद से निकालना पड़ेगा, और दूसरा केस क्या है जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट बता देगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, कहानी पढ़ के आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन सा केस है, और अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशंस कर पाओगे और लोन अकाउंट बना पाओगे। इसी प्रकार से अगला जो चैप्टर होता है आपका डेथ ऑफ पार्टनर, उसमें हमको एक एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना होता है। तो उसमें भी आपका काम सिमिलर ही तरीका का होता है, सेम आपका फंडा लगता है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है। हालांकि उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी सेपरेटली आपके किताब के सवाल सॉल्व करके आपको चीजें समझा दूंगा, लेकिन कहानी यही है। तो ये आपका बेस बन गया, अगर ये आपको समझ आ गया तो डेथ ऑफ पार्टनर में भी हमें एक लोन अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको बेसिकली हम एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बोलते हैं, वो भी आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना होता है। तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर बता देता हूं, इस पे क्या क्या इलस्ट्रेशन नंबर आपके हैं। तो इसमें आपके इलस्ट्रेशन नंबर है 27 से लेके, इलस्ट्रेशन नंबर 27 से लेके 31, जो सोलली आपके रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट पे निर्धारित है। इसमें आपका जो 31st इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 31, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है कहानी वही है, सिर्फ इसमें एक फर्क है कि इसमें आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट हो रही है वो हाफ ईयरली बेसिस पे हो रही है। जैसे कि अभी मैंने जो दोनों भी सवाल आपको कराए, दोनों भी क्वेश्चन में ईयरली इंस्टॉलमेंट पे हो रही थी। तो ईयरली इंस्टॉलमेंट पे होने से क्या हो रहा था, हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल रहे थे। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 31 भी डिफरेंस क्या है कि हाफ ईयरली हम लोग इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी बिल्कुल सेम तरीका होगा, लेकिन जो आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उसके लिए आपको 6/12 लेके करना पड़ेगा। 6-6 महीने का इंटरेस्ट आपको बेसिकली निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर 6-6 महीने में इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट हो रही है, बाकी आपकी कहानी बिल्कुल सेम चलेगी। ठीक है। तो बस इतना एक फर्क है। तो आप लोग देख लेना, सॉल्यूशन देख लेना, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। राइट। तो बस मेरे को इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन आपके साथ करना था। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए,
एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।